हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जावा सीरीज़। और आज हम बात करेंगे कि हम किन्हीं दो जावा स्ट्रिंग की ऑब्जेक्ट वैल्यू या ऑब्जेक्ट कंटेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे और हम इस क्लास का नाम देंगे कंपेयर स्ट्रिंग, और इसमें मेन मेथड ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते, स्ट्रिंग एस वन इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लेते हैं हेलो, देन यहाँ पर हम दूसरी स्ट्रिंग लेते हैं एस टू। अब यहां पर ये जो S1 और S2 हमारे स्ट्रिंग के क्या रेफरेंस है, तो हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमारी ऑर्डिनरी मेथड के थ्रू, अब हमारी जो बेसिकली हम ऑर्डिनरी मेथड क्या देखते आ रहे हैं कि हम किन्हीं भी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल्स ऑपरेटर। तो यहां पर हम उसका यूज कर लेते हैं, इफ एस वन इक्वल्स टू एस टू, देन क्या प्रिंट हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम क्या प्रिंट हो सेम, अदरवाइज अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो यहाँ पर क्या हो नॉट सेम। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो ये हमें दे रहा सेम, अगर मैं एक वन कर देता हूँ देन क्या प्रिंट हो नॉट सेम। तो ये हमने ऑर्डिनरी हमारा जो वे देखा। अब अगर हमें ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना, ये हमने क्या कंपेयर किया, रेफरेंस को। अब यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर एक अदर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ स्ट्रिंग एस टू इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम देते हैं हेलो। अब हम इसको रन करके देखते हैं, मीन्स ये नोट से, मीन्स यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट कंपैरिजन नहीं हो पा रहा। अब हम इसको देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। तो हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ओके, देन यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एक ये हमारा कंटेंट पुल होता है, कंटेंट पुल होता है, और इस कंटेंट पुल में सपोज हमने सबसे पहले क्या किया था, हेलो क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हमने एक हेलो क्रिएट किया, तो वो क्या हुआ, इस कंटेंट पुल के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है हमारी हेलो, सॉरी ये हमारी हेलो मेथड है, सॉरी हेलो ऑब्जेक्ट का कंटेंट है। देन यह क्या करता है हमारा, हमने क्या किया एस वन क्रिएट किया तो ये हेलो क्रिएट, देन हमने क्या किया एक अनदर रेफरेंस एस टू क्रिएट किया जिसकी वैल्यू भी सेम है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले कंटेंट पूल में जाके चेक करता है कि सेम वैल्यू तो नहीं है। तो वो क्या करता है, अगर सेम वैल्यू हुई तो यहाँ पर हमारी क्या दोनों की वैल्यू क्या हुई थी, सेम हुई थी एस वन और एस टू रेफरेंस की, यहाँ पर एस वन और एस टू रेफरेंस की वैल्यू सेम हुई थी। तो देन क्या हुआ था, इसने इस एस टू को भी इस कंटेंट को रिडायरेक्ट कर दिया, मीन्स अगर हमारी सेम वैल्यू हुई तो कंटेंट पूल में हमें क्या करता है, सेम ही सेम वैल्यू जो हमारी कंटेंट पूल के अंदर जो वैल्यू है उसे सेम वैल्यू को रिडायरेक्ट कर देता। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एस टू। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो वैल्यू कंपेयर करेगा ये ऑब्जेक्ट के कंटेंट या ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कंपेयर ना करके, ये ऑब्जेक्ट का जो स्टोरेज रेफरेंस है या स्टोरेज है जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है उसे कंपेयर करेगा। तो अब बात ये आती है कि जो इसका हेक्साडेसिमल या जो एड्रेस है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट डॉट हैश कोड निकालेंगे तो वो उसका जो भी रेफरेंस है, जो ये सॉरी जो भी इसका हेक्साडेसिमल जो एड्रेस होता है वो उसको रिप्रेजेंट कर देता है। तो यहाँ क्या कंपेरिजन हो रहा है उन दोनों के बीच में, ना कि किन दोनों की वैल्यू कंपेयर हो रही है। तो यहाँ पर हम अगर हमें वैल्यूज़ कंपेयर करवाना है दोनों ऑब्जेक्ट की या दोनों ऑब्जेक्ट
के कंटेंट को कंपेयर करवाना, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग की एक मेथड होती है इक्वल्स मेथड, हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट इक्वल्स एस टू देन हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, सेम मींस यहाँ पर इसने क्या कंपेयर किया है ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को। तो ये था हमारा हाउ टू कंपेयर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू और स्ट्रिंग कंटेंट इन जावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।